नमस्कार दोस्तों, आज हम टाटा कर्व और हुंडई क्रेटा का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। टाटा कर्व और हुंडई क्रेटा ये दोनों एसयूवी भारतीय बाजार में काफी लोकप्रिय हैं। चलिए इनकी हर एक डिटेल पर नजर डालते हैं। टाटा कर्व का डिजाइन बहुत ही आकर्षक और आक्रामक है। इसमें शार्प लाइंस, बड़ी ग्रिल और एलईडी डीआरएलएस इस एक स्पोर्टी लुक देती हैं। वहीं हुंडई क्रेटा का डिजाइन भी बहुत स्टाइलिश है। इसके बम्पर और ग्रिल का डिजाइन काफी बोल्ड है। क्रेटा में सिल्क हेडलाइट्स और पतले साइड कट्स इस एक प्रीमियम लुक देते हैं। दोनों गाड़ियों का डिजाइन लोगों को आकर्षित करता है। टाटा कर्व के इंटीरियर्स में एक मॉडर्न टच है। इसमें बड़े टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल टोन थीम और प्रीमियम मटेरियल्स का यूज किया गया है। क्रेटा का इंटीरियर्स भी बहुत प्रीमियम है। इसमें बड़ा टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और अच्छा स्पेस मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आरामदायक सीटें हैं, लेकिन क्रेटा में पीछे की सीटों पर ज्यादा लेग रूम है। टाटा कर्व में कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ADAS, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार तकनीक। क्रेटा के अंदर भी कई प्रीमियम फीचर्स हैं, जैसे पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और स्मार्ट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। फीचर्स के मामले में दोनों गाड़ियां बेहतरीन हैं, लेकिन कर्व में कुछ नई तकनीकें शामिल हैं। टाटा कर्व के पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। टाटा कर्व के 1.2 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन में 125 PS की पावर और 225 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क है। टाटा कर्व के 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में 120 PS की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। टाटा कर्व के 1.5 लीटर डीजल इंजन में 118 PS की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। क्रेटा में भी प्रभावशाली इंजन विकल्प हैं, जो स्मूथ ड्राइविंग और अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ भी पेट्रोल और डीजल दोनों मॉडल्स उपलब्ध हैं। इसके डीजल इंजन 1493 CC वेल और पेट्रोल इंजन 1497 CC और 1482 CC का है। यह मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। वेरियंट और फ्यूल टाइप के आधार पर क्रेटा का माइलेज 17.4 से 21.8 किलोमीटर लीटर है। दोनों गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान दिया गया है। कर्व में 6 एयरबैग्स, ABS और EBD और कई अन्य सेफ्टी फीचर्स हैं। क्रेटा भी सेफ्टी में पीछे नहीं है। इसमें 6 एयरबैग्स, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल्स जैसे फीचर्स हैं। टाटा कर्व की कीमत लगभग 12 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि हुंडई क्रेटा की शुरुआती कीमतें लगभग 10 लाख रुपए हैं। क्रेटा की टॉप वेरियंट की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें जो प्रीमियम फीचर्स है वो इसको जस्टिफाई करते हैं। दोनों SUV अपनी जगह बेहतरीन है। अगर आप एक स्पोर्टी लुक और आधुनिक तकनीक की तलाश में हैं, तो टाटा कर्व आपके लिए सही हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रीमियम फीचर्स और एक आरामदायक ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं, तो हुंडई क्रेटा आपकी पहली पसंद हो सकती है। इन दोनों SUV में से आपको कौन सी SUV पसंद आई है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।